अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर के बटन को प्रेस करके, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके, ऑल पे क्लिक करके। तो देखिए, ये वीडियो मैं सारी वीडियोस का और आज की जो मेरिट लिस्ट है ना उसका निचोड़ आपको बताने लगा हूँ, ठीक है? तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है? पहली बात तो ये है कि जो भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं, ये मैंने वीडियोज़ भी अपलोड की हैं, आप इस तरीके से जब अपनी तमाम जो भी आपकी बुक है उसकी लिस्टें देख सकते हो। लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंट्स की लिस्टें रहती हैं, तो काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है? तो उसके बाद अगर बात करें लिस्टों के मुतालिक आज, तो आपको पता है ओपन मेरिट भी है, ठीक है, पीयू मेरिट भी है, जनरल मेरिट लिस्ट है। तो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? या देखो, जैसे ये देखो बीएस की फर्स्ट सेमेस्टर की मॉर्निंग, आज क्योंकि मॉर्निंग की लगी है, और ये बीएस की फिफ्थ सेमेस्टर की है, ठीक है? ये जनरल मेरिट लिस्ट है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ठीक है? मैं आपको ये तरीका भी समझा देता हूँ। ये देखें जी, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, आप देख लो, अपना नाम देख लो, ठीक है? और आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो देख लो, अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है? मेरिट लास्ट मेरिट देख लो, ठीक है? ये देखो, अब ये जो है वो बीएस जूलॉजी है, इसका जो मेरिट है वो 96.94 पे आके रुका है, ठीक है? इस तक अगर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आया उसका इससे ज़्यादा मेरिट था, तो वो यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है? आप इसके अंदाजे के मुताबिक देख लो कि आपका जो मेरिट कहाँ पे बन रहा है, आपके पास चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है, एडमिशन के। ये आ गई जी आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर की। तो फिफ्थ सेमेस्टर की अगर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिन स्टूडेंट ने भी बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई किया है, उनके सामने ये देखो लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट की एनओसी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो चाहिए ना, ये सिर्फ इन स्टूडेंट का चाहिए उनको, ठीक है? वो आगे उन्होंने लिखा हुआ है, डिटेल दी हुई है, ठीक है? फीस आपने यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है। अब ये देखो, इसका मेरिट जो है ना वो 77.04 पे आके रुका है, बीएस जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर का, ठीक है? तो आप देख लो आपका मेरिट क्या है, मैं आपको फिर जो वो समझा देता हूँ। ये देखो, ये है जनरल मेरिट लिस्ट। स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि जिनका नाम जनरल मेरिट लिस्ट में है, क्या उन सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा? ये जनरल मेरिट लिस्ट इस चीज़ का मकसद नहीं है, ठीक है? इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। जितने भी स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई किया है और उनका एडमिशन कन्फर्म, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ ठीक उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन स्टूडेंट की मुकम्मल डिटेल है। ये देखो, बी एस जूलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी में 3100 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है? उन सब की लिस्ट होती है, ठीक है? सामने उनका मेरिट बना होता है, ठीक है? अब ये देखो, अब इसका मकसद क्या है जनरल मेरिट लिस्ट का, ठीक है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जी, ये देखो बी एस जूलॉजी है, इसका जो है वो यहाँ पे इतना एग्रीगेट है, लेकिन इसका जो है वो पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो स्टूडेंट देखेगा, अच्छा मेरा ये मेरिट लिस्ट है, ठीक है? अब वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक करेगा, फिर अंदाज़ा लगाएगा कि मेरा चांसेस होगा एडमिशन होने का या नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ इसी के लिए ये बनाई जाती है जनरल मेरिट लिस्ट। जितने भी स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया था, तो उन तमाम स्टूडेंट की जो है वो एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है। फिर अब ये देखो, जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है ना, उसके बाद अब जो दूसरी लगेगी वो यहाँ से जनरल मेरिट लिस्ट से बच्चे उठाएंगे वो, ठीक है? फिर उठा के आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट बना देंगे, फिर थर्ड बना देंगे। जनरल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना कोई आपका ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है? इसका एडमिशन के साथ कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ आपको वो शो कर रहे हैं जी आपका ये मेरिट बन रहा है, ठीक है? तमाम स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है ना, वो जनरल मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है? फीस आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा यूनिवर्सिटी, वहीं से वाउचर मिलेगा, वहीं आपने बैंक में फीस जमा करवा देनी है, ठीक है? तो इसलिए जो स्टूडेंट जिनकी अभी तक लिस्टें नहीं लगी, वो अपडेट हो रही हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी। देखिए, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो सब डिपार्टमेंट्स ने जैसे जैसे लिस्टें यूनिवर्सिटी को देनी है, वैसे वैसे जो है वो उन्होंने अपलोड करते जाना है, ठीक है? तो इसलिए काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, जिन स्टूडेंट का हो गया अपलोड वो देख लें। अगर इनके अलावा कोई और प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का हो गया एडमिशन, काइंडली वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ, ठीक है? आप लोगों का मेरिट क्या है, ठीक है? तो दोनों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।